तो मछली को जो चारा देने का काम है वो हो चुका है। तो इसी प्रकार से ये सब प्रोसेस रहता है जो करना पड़ता है। बस गर्मी इतना है कि पसीने के मारे मेरा पूरा सर जो है, हाथ पैर पेंट सब भीग चुका है। यहाँ बहुत तेज धूप है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। साइज कितना हो जाएगा? 2 किलो 2.5 किलो ढाई किलो साइज की मछली है। अगर 2 किलो 2.5 किलो साइज का मछली है ये भाई जो है मछली को पकड़ते हुए। ये जो मछली है आप लोग देख रहे थे, जो चारा दे रहे थे हम लोग, वही ये मछली है। और वो जो छोटे छोटे अभी उनका भी साइज कुछ इस प्रकार का हो जाएगा 2-4 महीने बाद। इनको रेगुलरली टाइम टाइम पे जो चारा है, दाना है, उसको देते रहना पड़ता है, क्योंकि खाएगा तभी तो ग्रोथ करेगा भाई। ठीक है, तालाब बना ले, छोटे तालाब ना। यहाँ जो है एक और तालाब है, ये थोड़ा छोटा है उससे। तो ये तालाब है गांव का। और ये लोग जो है 5-6 साल से लगभग फार्मिंग ही कर रहे हैं, फिश फार्मिंग। और लगभग ये 2-1.5 एकड़ का जो खेत है उसको मछली फार्म बनवा चुके हैं। और इसमें सभी में जो है सवाली, रोहू, कतला, पेटली, तेलपिया, इसी प्रकार की मछलियाँ जो है वो डली हुई है। और ये जो है ये पहला तालाब है, पहले यही बस था, और जो ये वाला है उसको बाद में बनवाया गया है। इसमें जो है जो मछली बेचने के लिए जाती है उसको ला के रखा जाता है। तो ये जो है इस फिश फार्म के ऑनर है, तो ये बताएंगे कि अपनी मछली कौन कौन सी मछली शेयर करते हैं और किस प्रकार से उसका जो प्राइस है वो रहता है, तो बताइए सर। हमारे यहाँ हमारा मेन व्यवसाय अभी मछलियों का है। हम लोग पंगास प्रजाति की मछलियाँ का पालन करते हैं, जिसको अभी आपने देखा है। हाँ हाँ, और कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? लगभग हम 15-20 साल हो गया हमको इस बिजनेस में लगे हुए। अच्छा, मैं तो 5-6 साल ही बता रहा था, तो आप लोग सुन रहे 15-20 साल। हम लोग पहले से ही पालन कर रहे हैं, पहले काउंटर सेलिंग नहीं करते थे। हाँ, अभी विगत 5-6 वर्षों से काउंटर सेलिंग भी है हमारा। अच्छा अच्छा, हमारे पास थोक में, चिल्लर में हर प्रकार की मछलियाँ रहती है, ताज़ी मछलियाँ रहती है, बिल्कुल जिंदा मछली ही हम लोग लाते हैं, जिंदा मछली का हमारा व्यवसाय है। अच्छा, थोक और चिल्लर दोनों में? हाँ, थोक और चिल्लर दोनों देते हैं। हाँ हाँ, तो जो थोक में लेना चाहे वो थोक बिल्कुल, में भी ले बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए, आपको अगर मछली की आवश्यकता है तो फ़ोन नंबर में संपर्क करिए। और इनका जो फ़ोन नंबर है और एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, डिटेल्स में आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल मिल जाता है, हर समय ऑल टाइम उपलब्ध रहता है हमारे पास मछलियाँ, खा सकते हैं। और आपको हमेशा जो है ताज़ी मछलियाँ मिलेंगी? ताज़ी और जिंदी मछलियाँ मिलती हैं। जिंदी मछलियाँ हमारा मेन व्यवसाय ही जिंदा मछलियों का है, विशेषकर हम लोग पंगास का ज़्यादा डीलिंग करते हैं और मार्केट से खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। बाहर से भी मछलियाँ आती हैं हमारे पास, और जब भी आपको चाहिए तो उचित दर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ओके, और इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है फार्मिंग से रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड, तो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।